शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है। मूवी में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख और दीपिका की मूवी पठान ने रिलीज होने से पहले ही इतिहास रच दिया। जी हां, पठान आईसीई थिएटर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय मूवी बनी। शाहरुख की इस फिल्म पठान के बारे में आजकल हर तरफ चर्चा है। इस फिल्म का गाना बेशर्म रंग रिलीज होने के साथ ही काफी विवादों में ये मूवी घिर गई। इस गाने में दीपिका के ड्रेस कलर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। 25 जनवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही इतिहास रचने को तैयार है। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान कई मानियों में खास होने वाली है, जिनमें से एक है इसका आईसीई थिएटर में रिलीज होना, यानी इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस फॉर्मेट में मूवी का रिलीज होना। जी हाँ, पठान भारत की पहली मूवी है जो आईसीई फॉर्मेट में रिलीज होने जा रही है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आईसीई फॉर्मेट क्या है और ये कैसे काम करता है। आईसीई फॉर्मेट में आपको फ्रंट स्क्रीन के अलावा साइड पैनल भी मिलते हैं, जिनकी मदद से आप फोकस होकर फिल्म एंजॉय कर सकते हैं। साइड पैनल की मदद से फिल्म के एक्शन और फिल्म देखने वालों के अनुभव ज्यादा शानदार हो जाते हैं। आईसीई फॉर्मेट टेक्निक बिल्कुल अलग और नई है। भारत में अभी तक कोई भी फिल्म आईसीई फॉर्मेट में रिलीज नहीं हुई है, यानी शाहरुख, दीपिका और जॉन की मूवी ये पहली फिल्म होगी जो इस टेक्नोलॉजी के साथ रिलीज की जा रही है। ये मूवी 25 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इस फिल्म के जरिए किंग खान तकरीबन 5 साल बाद सिनेमाघर में नजर आएंगे। शाहरुख की पिछली मूवी जीरो 2018 में रिलीज हुई थी। बता दें, पठान के बाद शाहरुख की आने वाली मूवी डंकी और जवान भी 2023 में रिलीज हो सकती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।